Yeah.
Oh,
Thank you.
جانور والے آپ کو یعنی وہ اپنے والدین کی بخشش کا درجہ رکھتے ہیں. اگر وہ اولاد تھے اور بچی کے مجھے کرتا ہے
yok. Jo pani ka dabav tha. Aur ye kya pata? Pal ko sakte baat hai aur mujhe khata hai malaika ki jo mere kaam ko jaan le sakti hai. Inka tika lava ke ek din baat ke hoga jaise ye kaam ko kaam hoga. Yani ke ayat kya karne bas sare aap ke darwan bas aap ke darwan bas jaan ke aap ke darwan bas ko sakte aap ke darwan ek namaz par hoga to baat hai. बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन जीना लगा दे एक दिन बात होगा जिससे हिसाब किताब होगा। तकवा पहुंच गया बाबा साहब, पहुंच गए अंधा हवाई का कम सारा है, अंधा बादल भी का कम सारा है, पक्षियों भी कम सारा है, मलाइका भी कम सारा है, और फिर क्या कह रहा है अल्लाह का वादा सच्चा है एक दिन हिसाब किताब होगा। अब मेरा आपके सवाल यह है Oh,
اپنی رسول کی رسالت کا مولا کی ولایت کا
मतलब में कोई पैदा हुआ, बनारस में कोई पैदा हुआ, हिंदुस्तान में कोई किसी मुस्लिम किसी शहर में, और यहाँ आज सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई मोमिन एक दूसरे से मिल ही नहीं सकता जब तक कि उसने रोजे अगर कहा एक दूसरे से मिल रहा है। ये तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, एक दूसरे की जान करते हैं, मोमिन का देखना एक दूसरे को बराबर है, मुसाफा करना एक दूसरे से बराबर है। जब तक हाथ हाथ में रहता है तब तक गुनाह करते रहते रहे, ये अलहदा बात है। अगर ऐसी बुराई आने के मामले में कि नमाज नमाज के बाद भी हाथ मिलाने में तकलीफ करके दो के बाद के बाद क्यों हाथ मिलाए, इसलिए जब जल्दी आना पता चला जाना उसको पता चला जाना नहीं, नमाज के बाद बैठने के बाद बैठे जितनी देर मुसाफा करते रहेंगे तब तक उस पर गुनाह करते रहेंगे। मोमिन को एक दूसरे को देखते रहे खुशी के साथ तो गुनाहों में कमी होती रहेगी, देखने में इजाफा होता रहेगा। क्यों हम एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए कि रोजे अलग हम एक दूसरे से मिले। और ये भी अच्छा को अल्लाह ने हर उस चीज को फजीलत अता की जिसने वहां रोजे अलग अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार करने में पहल किया है। मैंने शायद यहाँ ने मुझे कहीं पर किसी बच्चे से अर्ज किया था कि अली क्या मुझे हर मोमिन हाथ से पहन के दुआ मांगे तो दुआ जरूर होती है, बाद दुआओं का असर दुनिया में आ जाता है, बाद दुआओं का असर आखिरत में मिलता है। तो आप क्या कहना आप दुआ तो मैं यहाँ मांग रहा हूँ अकीम की अंगूठी भी पहन ली है और दुआ कबूल नहीं हुई, नहीं दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन इसके साथ जो हूँ हमारे नुकसान से जानते हैं अपने माँ भाई मौलाना मोहम्मद कासिम जैसी का एक मतलब उनसे मैंने कहा कि मतलब आप समझ नहीं आ रही दुआएं भी मांगते हैं लोग दुआ कबूल नहीं होती, तो मैं ये मां ने एक मां ने अपने बच्चे के लिए हलवा पकाया और हलवा पका के रख दिया प्लेट में, उसमें जो बाद में प्लेट से निकाल के ठंडिया से रख दिया, बच्चा आया आकर उसके हाथ बढ़ाया, माँ ने हाथ रोका, जब उसने प्लेट की तो उसने उसको डांटा कि नहीं नहीं खाना, कितने दिन तक कवर घर में आ गए सर देखता तुम्हें पकाया जब इसके लिए तो उसको खाने क्यों नहीं देती, तो माँ ने कहा कि पकाया इसी के लिए है खिलाना इसी को है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कब खिलाना है और कब नहीं खिलाना है, मैं जानती हूँ कब खिलाना है कब नहीं खिलाना है, अगर अभी हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा, मैं जानती हूँ कब खिलाना है, तो अल्लाह जानता है कि इसकी दुआ का समय इसको कब मिला है। तो ये मैं कहे कि साहब हम तो रोज अलग से जाते हैं कि बच्चे अलग से जा रहे हैं कि साहब हम रोज मस्जिद में जाते हैं दुआ मांगते हैं हमारी दुआ को बोलने को नहीं दुआ होती है कबूल, लेकिन उसका सफर कब मिलना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए कि आप तो बाहर को देख रहे हैं ना बातिन को नहीं देख रहे। मैंने कैनेडा में अभी कहा तो वहाँ एक मौजूद चलाया तो एक जुमला काम है कैनेडा अगर जमाने के इमाम के नाम पर एक डॉलर आप खर्च करेंगे तो मासूम का बताने करने इमाम का कि आप जो उसके बदले में 70 दुनिया ही में अल्लाह देगा, मुझे कैनेडा में दौड़ा तो मैं डॉलर के हिसाब से जहाँ भी होगा वहाँ के रुपये के हाथ से वहाँ के करेंसी के हिसाब से, तो मैंने कहा एक डॉलर आप इमाम के नाम पर जमाने के इमाम के नाम पर खर्च करें 70 आपको दुनिया में मिलेगा। ये जब मैं पढ़ चुका दूसरे दिन एक साथ चलने के बाद ना मैंने 100 डॉलर खर्च किए आपकी पहली सुन के जमाने के इमाम के नाम पर और मुझे आज शाम को 72,000 रुपये का मुनाफा हुआ जो मेरे पैसे पढ़ने के लिए कई वो मिल गए जो न मिलने वाले थे, लेकिन बाबा ने ये बात इतनी सी समझ में नहीं आई। इमाम तो कायनात का खजाना रखते हैं, सिर्फ 72,000 क्यों दिए मुझे। मैंने कहा कि इंसान कभी उसकी फिर तो तबाह पूरी नहीं होती, मगर सुनो अब जुमला मैं कह रहा हूँ अगर मैं पहुंचा सका, मैंने कहा सुनो तुम कह रहे हो कि इमाम के खजानों में कमी नहीं है सिर्फ 72 क्यों दे दिए, रिवायत तो 70 की थी उन्होंने तो दो बढ़ा के दे दिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 72 भी कम है तो फिर दलील क्यों नहीं है, इमाम तो जोड़ हाथ एक बनते
से आ जाएंगे आप कर्मा बोल लेंगे आप विद्यों की जैसे दुकान बोल लेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नाजायज इस्तेमाल हो जाएगा तो बस अतीत की मूर्ति का इनका हम दुआ मांगते हैं मैं बोला नहीं जल्दी से अंत करो तो दुआ कैसे कबूल होती है क्यों होती है इसलिए कि महसूस का फरमान है कि जब अल्लाह इकरार दे रहा था तमाम मखलूकात से तो पत्थरों ने जब इकरार देना शुरू किया तो अतीत और फिरौन ने दौड़ लगाई कि देखे कौन पहले अतीत वाली गुंडा पड़ता है तो अतीत एक कदम आगे रह गया फिरौन एक कदम पीछे रह गया सबसे पहले अतीत ने अली वाली गुंडा पड़ा तो अल्लाह ने इज्जत देने की जिसके हाथ में होगा उसकी दुआ तमाम करने वाली है Gracias.
किया उनको तालू में लगाया जाता है बाप गाँव के बाद और विरोधा दूसरे नंबर पर रहा इसलिए जो विरोधा पहले पर उसकी मौत घर से बाहर भी होती है और उसकी हड्डी भी मासूम का पड़ना है उसकी मौत घर से बाहर भी होती है जिसके हाथ से विरोधा होगा एक शख्स रहने के सफर में पड़ा हुआ था मरा हुआ संगठन और तो गुजर हुआ वहां से मेरे और आपके इमाम के आपने शादी कर जब इमाम का वहां से गुजर हुआ तो बाबा ने पूछा कि मजमा क्यों लगा तो मैंने कहा बाबा ने पहले पढ़ लेगा और कोई बात नहीं सही मुसाफिर था मुसाफिर था इमाम गंजी तकलीफ ले गया देखा तो उसके हाथ से खड़ोते गंजी नौजवान गौर करें जिनकी दोस्ती ज्यादा होती है हम से नौजवान होते हैं वो इस बात पर गौर करें गौर करें इमाम ने देखा उसके हाथ से खड़ोते गंजी पर तो इमाम उस अंगूठी से मुखातिब हुए ये फिरोजा तेरी वो तुम याद करते एक सिफत यह है कि तू जिसके हाथ में होगा उसकी मौत घर से बाहर नहीं होगी इसकी मौत घर से बाहर कैसे हो सकती अब ये हो नहीं सकता कि विरोधा इनके दादा का करना पड़े और इसके बाद बैठा ये तो नहीं हो सकता ना कि इनसे बात करे और इमाम को होता है कि जिससे जमाने की हर अपनों कलाम किया करते हैं और इमाम उसकी गुफ्तगू को समझते हैं वो इमाम की गुफ्तगू को समझते हैं मैं एक किताब में पढ़ा दर्शी किताब में जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि जनाब रसूल पाक 72 जबाने जानते थे तो हम पता वही बच्चों को पढ़ा रहे स्कूल में कि रसूल पाक 72 जबाने जानते थे तो मैंने कहा भाई 72 लिखने की क्या जरूरत इसलिए कि 72 के बाद गिनती खत्म हो रही है जब आपको तौहीन नागरिकता करनी थी तो ये लिखते थे कि कोई जवान नहीं जानते थे रसूल पाक को आपने इसका मतलब है 72 जवानों तक महदूद कर दिया अल्लाह कह रहा है कि मैंने आलमीन के लिए रहमत बनाया था अल्लाह को आलमीन के लिए रहमत बनाया था आलमीन ने आलमीन एक आलम नहीं कितनी हजार जमाने तो हमारे जवान से बोली जाती है आले मोहम्मद रफी साहब हमारे बुजुर्ग शायद बोल रहे हैं आप सभी अक्सर उन्हें जानते हैं उन्होंने 5 सफरनामे हज लिखे हज के इंतजार करवाए खुदा उनके दर्जात बुलंद करे उन्होंने 5वां या 4वां सफरनामा जो लिखा था उसमें हज पर आने वाले हाजियों की जबाने लिखी थी और मोहम्मद ये हज के जो लोग आते हैं उनकी जबाने कौन कौन सी हैं तो उन्होंने 365 से ज्यादा तो उन्होंने जबाने लिखी थी तो मैं कहूंगा रसूल पाक तो 72 जमाने जानते हैं इससे आगे जो 365 बाकी आ रहे हैं तो उनकी दुआएं रसूल की बारगाह में जाकर पढ़ा दो इसका मतलब क्या हुआ कि आप महसूस कर रहे हैं कि जनाब रसूल पाक 72 जमाने जानते थे नहीं आदमी की जमाने जानते हैं तो जब वो आदमी उनकी जमाने जानते हैं तो आदमी उन्हें विरोधा भी आता है और मेरे और आपके माम उनके जाने सुन है विरोधा के मौला ने पूछा कि तुम इसके हाथ में पड़े हुए हो इसकी मौत घर से बाहर कैसे बात हुई जुमला ये है जो मैं नौजवानों को मुखातिब कर रहा था इमाम फरमाते हैं इसकी मौत घर से बाहर कैसे बात हुई उसने कहा मौला कभी घर से बाहर मौत पा के ना होती अगर मैं इसका अपना खरीदा हुआ होता हम नौजवान बच्चे एक दूसरे से छीन कर पहन देते हैं ना कि जहाँ देख लूंगा तो कैसे लेगा मुझसे लेकिन जो छीन कर पहना जाएगा उसका असर बाकी में जाएगा जो खरीद कर पहना जाएगा उसका असर बाकी में जाएगा ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسود
لہذا بولا دوسرے نمبر کے نام تو اللہ نے روح سے اقرار کیا تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے سب سارے آتے گربن مجھے قسم ہے روح کے بات میں بارے مانی روح کو بہت بات ہے اب سن لیجیے جب پانی کے استر میں دلہا نہیں ہوئے اگر آپ سن لیں تو جب پانی کے استر میں کہا کے مولا آپ سے کچھ کم پا رہے ہیں یا آپ سے بڑا بنا رہے ہیں مولا بتاتے ہیں تم نے جب کسی کو مارا ہے تو ظاہر کچھ بنی تو دیکھا ہے میں نے جب تلوار چلائی ہے تو قیامت تک اس کی روحوں کو جان جائے تو پھر اللہ نے اسی قسم کھا رہا ہے جو روح کو جاننے کے لیے طاقت رکھتے ہیں روح کو جاننے کے لیے مطلب ہے اللہ قسم کھا رہا ہے اے میرے سے اثر اگلی بات کا تو ہے بس سارے آتے دربار اس سے بہت کچھ ارد کیا جا سکتا تھا لیکن چھوڑ رہا ہوں اس سے اگلی آنے کی تھوڑی سی تشریح کر دوں بس آگے آتے دے کر مجھے قسم ہے بادلوں کی جو ہوا کے جوش میں جان کر ساری یہ ترجمہ کیا ظاہر لیکن جانے والے کیا فرمایا فکرن سے مراد بادل نہیں ہے تو ہوا کا بوجھ اٹھاتے ہیں پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں جہاں فکرن سے مراد ہے اللہ قسم کھا رہا ہے ان لوگوں کی جو علم الہی کا بوجھ اٹھا رہا ہو علم الہی کا بوجھ علم الہی کا بوجھ اٹھانے والوں کی قسم کھا رہا ہے وہ کون ہے اللہ کے علم کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے جس طرح دوسرا پر مولا جب کوئی خطبہ بیان کرواتے تھے تو لوگوں کے سروں سے گزر جاتا تھا تو کیا کہتے تھے یار جی جس خطبے کو میں بولیے یہ بتائیے میرے سر پہ ڈال دیتے ہیں یار جی جس خطبے کو میں بولیے یہ بتائیے میرے حوالے میں پیش کتنے یعنی وہ سوال کرتے تھے تو مولا کائنات کیا کرتے تھے چھپ چھپ کر جنگل میں جاتے تھے اور جنگل میں جا کر کنویں کے اندر جو کھلے ہوئے کنویں ہوتے تھے ان میں منہ دے کر اپنے علم کو کنویں کے حوالے کرتے تھے علم الہی کا بوجھ کنویں کے اندر علم ڈال دیتا جناب جمپر نے اسے پوچھا یا علی ہم لوگ تو آپ کے علم کی انتظار میں اور ملے گا ہم تو آپ کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ کے علم کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے یہ کنویں کا پانی کر کے آپ کے علم کا بوجھ اٹھا لوں گا اور زبردستی میں بات نہیں ہے اگر سننا ہے تو خود آنا والا نہیں ہے ہم آپ کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یہ کنویں کا پانی آپ کے علم کا بوجھ کیسے اٹھا لیتا ہے بکر نے بات کیا مولا بتاتے ہیں کنویں کا پانی بھی نہیں اٹھا سکتا جب میں نے پہلی مرتبہ اپنا علم کنویں کے حوالے کیا تو کنویں کا پانی تہ میں تھا زمین میں تھا میرا علم جب اس کے تک پہنچا تو چھلک کے اوپر آیا تھا اور باہر نکلنے لگا اگر میں اسے رسول پاک کی بتائی کی دعا پڑھ کے نہ روکتا تو وہ پانی اتنا نکلتا جیسے کہ نوح کے گاؤں میں پانی بنے گا اور پوری دنیا کو آگے لے جاتا ہے چھوٹی بات نہیں کہ ہمیں کو آدم بھی ہو گیا ہے کہ جناب اتنا علم ہے ابھی کہ جس کا بوجھ پانی نہیں اٹھا سکا سڑک کے باہر نکلا ساری دنیا ڈوب جاتی اگر میں وہ سرکار کی بیوی دعا اس پر دم نہ کرتا تو جب میں نے دعا دم کی پانی زمین سے باہر گیا کنویں کے اندر باہر گیا لیکن پانی میں نے کیا ہر مخلوق کلام کرتی ہے پانی سے آواز آئی یعنی ہم نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے علم کو برداشت کر سکے مولا نے فرمایا کہ تم نے کیونکہ محبت کا اظہار کیا خلق کے اوپر آئے تو اب ہم تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں عجیب روایت ہے ہم یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اس کنویں سے مستقل 7,000 میل دور تک جتنا بھی زمین کا حصہ ہوگا اس میں جتنے بھی پھول پیدا ہوں گے ان پھولوں میں اس پورے علم علی ابن ابی طالب ہوگا
واصل باتے ہیں میرے اور آپ کے امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے اجازت دے کر آج گھر کا کام کرو، جس کا آج مجھے گھر کا کام کرنے دو،